फिस्कल डेफिसिट होता है सरकार के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, यानी सरकार जो पैसा खर्च कर रही है और सरकार जो पैसा कमा रही है उसमें क्या डिफरेंस है। और क्योंकि यहाँ पर डेफिसिट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका मतलब यही है कि सरकार जितना पैसा कमा रही है उससे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। इस साल के लिए इंडिया का फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट किया गया है 17.86 लाख करोड़ का। लेकिन हम फिस्कल डेफिसिट को यूजुअली एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी करके देखते हैं। पिछले साल सरकार ने टारगेट रखा था कि ये 5.9% ऑफ जीडीपी होना चाहिए इस साल, और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हमें दिखाते हैं कि सरकार ने ना सिर्फ अपना टारगेट अचीव किया बल्कि ये उससे भी कम पर ले आए, 5.8% पर। इनफैक्ट सरकार ने 2003 में एक एक्ट पास किया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2003। इस एक्ट के अनुसार सरकार का टारगेट होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट को सिर्फ 3% ऑफ नॉमिनल जीडीपी रखा जाए। लेकिन तब से लेकर अब तक सिर्फ एक ही साल रहा है बीच में, 2007-08 के अराउंड, जहां पर सरकार इस टारगेट को मीट कर पाई थी। अभी पिछले कुछ सालों से सरकार धीरे धीरे इसे कम किए जा रही है ताकि उस रेंज के अराउंड लाया जा सके, और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 4.5% का टारगेट रखा गया है।